अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद दून में आप सभी का खैर मकदम है। मुस्लिम समाज बहुत बड़े मुश्किल दौर से गुजरा है। अफसोस तो इस बात का है कि खुद मुस्लिम समाज को इसकी संजीदगी का एहसास नहीं है। कौन देशद्रोही और कौन देशभक्त, इसका कोई तवाजन या कोई सही डेफिनेशन आप नहीं दे सकते। अब इसे क्या कहा जाए कि कोई खुले मन से मुल्क के संविधान को बदलने की बात कर रहा हो तो क्या वो देशभक्त है? आखिर धर्म संसद के नाम पर जो मजहबी तशद्दुद फैलाने वाले इजलास मुनक्कद किए जा रहे हैं और खुलेआम हिंदू राष्ट्र का नया संविधान कहा जा रहा है, इसके बावजूद सभी खामोश है। उधर यूपी चुनाव के मद्देनजर बराबर एक नैरेटिव चलाकर मुस्लिम समाज को इकटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इस धर्म संसद में ऐसा कई बातें हुई हैं जिसका खुलासा अब होने लगा है। इंतजामिया पुलिस की कार्रवाई ना के बराबर है, लिहाजा मुस्लिम समाज बजाय आने वाली खतरनाक मुसीबतों पर सलाह मशवरा तबसरा या बयानात के जरिए उम्मत में बेदारी दिलाने के आज भी मुसलमानों को कितना सियासी हिस्सा मिलेगा, कांग्रेस ने मुसलमानों को कितना टिकट दिया या नहीं दिया, या एमआईएम ने कितने टिकट तकसीम किए हैं, या सपा बसपा से क्या हासिल हुआ है, इसी बहस मुबासे में मुलविस पाए जा रहे हैं। जबकि मुसलमानों का वोटिंग हक ही छीनने का ऐलान इस धर्म संसद में किया जा चुका है। एक तरफ नस्ल कशी की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ मुसलमानों के वोट के हक को ही छीनने का ऐलान खुले मन से किया जा रहा है। और मुस्लिम समाज का मामला ही कुछ अलग है कि इसे खबर ही नहीं कि इसके साथ क्या होने वाला है और इन्हें कितना बेदार होना चाहिए। मुख्तलिफ पार्टियों में मुसलमान कुछ तो मिलेगा इसी उम्मीद पर दरवाजों पर जाकर खड़ा नजर आ रहे, और उधर मुस्लिम समाज के खात्मे के मंसूबे ही बनाए जा रहे। कहाँ है दीनी रहनुमा या सियासी लीडर? क्या अब भी जागने का वक्त नहीं आया? आखिर किस गफलत की नींद में मुस्लिम समाज सो रहा है? टीवी में डिबेट भी हो रहा है तो मंदिर मस्जिद की तस्वीरें लगाकर एक तरह का माहौल बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ कट्टर हिंदुत्ववादी तंजीमें मुसलमानों के खिलाफ जितना जहर जितनी नफरत इस समाज को लेकर फैलाने की कोशिश कर सकते हैं किए जा रहे हैं। वही मुसलमानों का हाल भी बड़ा अजीब है। आज भी मस्जिदों में किस पार्टियों को वोट दिया जाए, कैसे सियासत में हम हिस्सा हासिल करें, इस पर ही बहस हो रही है। अलग अलग मुस्लिम समाज के नाम निहाद लोग भाजपा तक का गमछा पहनकर योगी की तारीफ करते दिखाई दे रहे। मौलाना तौकीर रजा की बहू भाजपा का टिकट लेकर आखिर क्या पैगाम देना चाहती है? क्या वाकई आखिरी दौर में अब मुर्तद होते मुसलमानों को भी देखा जाएगा? यकीन मानिए बहुत ही खतरनाक दौर से मुसलमान गुजर रहा है। आखिरी दौर की हदीस कहती है कि एक दौर ऐसा आएगा कि सुबह को मुसलमान और शाम को मुशरिक बन जाएगा। लोगों में ऐसे लोग अब कसरत से पाए जा रहे हैं जिनमें इस्लाम मुसलमान अल्लाह रसूल से किसी तरह की मोहब्बत नजर नहीं आती। कईयों ने तो अपना हुलिया बदलना शुरू कर दिया है। ये कोई किस्से कहानी नहीं है बल्कि मौजूदा दौर की हकीकत है कि अपने ईमान को टटोलने का दौर आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि हम मुसलमान हैं लेकिन अगर हमारे अंदर मुशरिकों का खौफ, फिरका परस्तों का डर अंदर तक पैवस्त होता जा रहा है और यही डर इस्लाम से हमें दूर कर रहा है। मुस्लिम लड़के लड़कियों में कहीं पर भी जज्बा दिखाई नहीं दे रहा। घर के सभी अफराद मोबाइल में अलग ही दुनिया में सैर करते दिखाई दे रहे हैं। सियासी लीडर अपना मुफाद कहां हासिल होता है इसकी फिराक में है। इनके नाम तो मुसलमान है लेकिन मुशरिकों जैसे अमल इनके दिखाई दे रहे हैं। कई जगह पर तो ये पूजा पाठ भी करते दिखाई दे रहे हैं और कभी भी किसी भी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। इस बात को अपने जहन में आप सभी नक्श कर ले के इस बार फिरका परस्ताकते इख्तदार पर आती है तो इसकी सबसे ज्यादा कीमत मुसलमानों को चुकानी पड़ेगी। झूठी तारीफें झूठे किस्से सुनाने से बाज आ जाए। हम वो कौम है जो 313 थे या फिर करबला देखी हुई कौम, अगर अब बातें कहने में अच्छी लगती है, क्या हमारे अंदर 313 की तरह एक शख्स तो छोड़ो उनमें से एक सिफत हमारे अंदर तो है क्या? फिर हम कैसे अपने आप को उनसे मंसूब करते हैं जबकि हमने तमाम उन अमालों को करना ही सही समझा जिससे अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाते हैं। फिर कैसे उम्मीद करते हैं कि हम आसमान से फरिश्ते नाजिल हो जाए? लिहाजा मौजूदा हालात में पीटना तो यकीनी है पर नुकसान कैसे कम हो सकता है इस पर तवज्जो की जरूरत है। मुसलमान अब ये जंग हार चुका है। महज नमाज और कुछ दीनी फराइज मुकम्मल करने पर हम ये समझे कि नहीं, हमने जिम्मेदारी तो मुकम्मल कर दी है और कामयाबी यकीनी है। पूरी की पूरी कौम बुजदिली की कगार पर खड़ी है। मुसलमानों के कत्लेआम के साथ मुसलमानों के हुकूक को छीनने की बात खुलेआम की जाती है लेकिन पूरा माशरा ऐसे जी रहा है जैसे इसका मसला है ही नहीं। आज भी मुस्लिम नौजवान लड़का लड़की किस फैशो हुरियानियत में मुब्तला है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वालिदैन की अलग मुश्किलें हैं, घर की खवातीन अलग मामलात में मुलविस है, गरीब तबका रोज रोटी से परेशान है, अमीर मुसलमान इनफरादी अमाल में मसरूफ है, कुछ एकाद रुपए खैरात कर अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश होने की बात करता रहता है और बची कुछ कौम अपने ही कौम की बुराइयों में
देर रात तक कट्टों पर, मस्जिदों की सीढ़ियों पर बैठकर वक्त बर्बाद करते देखा जाता है। आखिर मसले का हल क्या इस तरह निकाला जा सकता है? इससे पहले भी हमने कहा था कि मुसलमानों के पास वक्त बहुत कम है। जब इस मुल्क का संविधान ही बदल दिया जाएगा तो मुसलमानों के हुकूक अपने आप खत्म कर दिए जाएंगे। भले ही कुछ लोगों को यह अजीब लगे, लेकिन धर्म संसद को यूं ही ना समझे। इसमें खुद मौजूदा दौर के वज़रात शामिल हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने का मंसूबा काफी पुराना है। अब बेंगलोर में मस्जिद में घुसकर बजरंग दल वालों का हंगामा, सुल्ली ऐप, मुस्लिम नौजवानों की मॉब लिंचिंग या फिर अरबाज समीर का कत्ल, मस्जिदों पर हमले, दरगाह को मंदिर बनाने की खबर यहां तक ही से महदूद ना समझा जाए, बल्कि मामला आगे बढ़ चुका है। दलित और ईसाई समाज को भी अगर संविधान बदल दिया जाए तो कीमत इन्हें भी चुकानी पड़ सकती है। 5 रियासतों के चुनाव के नतीजे बहुत कुछ मुल्क का मुस्तकबिल बदल सकते हैं। अगर भाजपा फिर से इख्तदार पर आती है तो सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि दिगर अकलियती तबकात को भी बुरे दौर से गुजरना पड़ेगा। इलाहाबाद प्रयागराज में धर्म संसद के जरिए कई फैसले लिए गए। 2023 में हिंदू राष्ट्र का सरकारी ऐलान करने की भी बात कही गई और कहा कि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो गुरुकुल से तालीम हासिल करना जरूरी करा दिया जाएगा। गीता, रामचरितमानस, मनुस्मृति के साथ वेद पुराण भी पढ़ने होंगे, तभी आगे इसे दाखिला दिया जाएगा। जो बच्चे गुरुकुल में इस तालीम के दौर से आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे के तमाम दाखिले रोक दिए जाएंगे। ये तो आगे की बात है, जिसके लिए वक्त भी काफी कम है। वैसे भी नई एजुकेशन पॉलिसी में भी कई सारी तब्दीलियां की गई है। मुल्क का बड़ा तबका आज भी उस हद तक फिरका परस्ती की मुखालफत नहीं कर रहा जितना होना चाहिए। जब खुलेआम संविधान को बदलने की मांग खुले मंचों से की जा रही है, अगर वाकई अक्सर तबका इसके विरोध में होता तो इतना खामोश क्यों है फिर? अभी लॉकडाउन का हुक्म दिया भी नहीं जाता, सभी के सभी बजाय सवाल पूछने के घर में राशन भरने की जल्दबाजी करते हैं। इसका मतलब एक बड़ा तबका जहनी गुलामी में मुब्तला हो चुका है। आखिर में सवाल यही उठता है कि अगर इस तरह इकदाम किया जाता है तो दिगर तबकात इसकी मुखालफत बड़े पैमाने पर करेंगे या नहीं? क्या अक्सरियत समाज में यह बात नक्च हो चुकी है कि मसला सिर्फ मुसलमानों का है? खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है तो क्या मुसलमान अपने ईमान पर कायम होंगे? या नाम निहाद यानी सो कॉल्ड एजुकेशनिस्ट इस इल्म को भी हासिल करने को गलत नहीं समझेंगे? क्योंकि आजकल तो मुसलमानों में सभी चलता है का मामला बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। खैर, कुल मिलाकर बात समझने की जरूरत है और बड़े ही संजीदगी से मुसलमान, दलित और दिगर अकलियती तबकात को साथ में लेकर अपने तमाम मसरूफियात से वक्त निकाल कर गौर फिक्र करें, वरना अपने आप को होशियार, अकलमंद और सच्चे मुसलमान समझकर मुर्तद होने का दौर भी जल्द आ सकता है। जिस तेजी से मुल्क के हालात बदल रहे हैं, इसे यूं ही अय्याशी, गफलत, बेदादी या तकबुरी में ना निकाले, वरना उमूमन देखने को मिलता है कि हमें कौन क्या करेगा, हमसे जो टकराएगा या फिर आने दो, छोड़ते हैं क्या, जैसे फिजूल और बेहुदा जुमले इस्तेमाल करने से बाज आ जाए। क्या कर सकते हैं आगे, इस पर तवज्जो दे। ये सिर्फ सियासी मैदान में लड़ने की जंग नहीं है, हर महाज पर हम शिकस्त खा चुके हैं। गुजरात, मुजफ्फरनगर, हाशिमपुरा, भिवंडी और बाबरी मस्जिद के बाद मुल्क भर में एक समाज को निशाना बनाते हुए देखा गया है। सैकड़ों फसादात की एक तवील फहरिस्त हमने देखी है, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर नस्ल कुशी की बात को यूं ही मामूली न समझा जाए, ये बार बार समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। क्योंकि जब संविधान खत्म हो जाएगा तो मुल्क शोलों में तब्दील हो जाएगा और इसकी सबसे ज्यादा कीमत मुसलमानों को चुकानी पड़ेगी, ये सच्चाई है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।